तो हाय गाइस, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो गाइस, आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपको हमेशा सुस्ती महसूस होती है, हमेशा बार बार अगर आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और अगर आपका पोटी साफ नहीं होती है, कड़ा होता है, इसकी वजह से आपके मांसपेशियों में अगर दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, अगर आपके नसें ब्लॉक हो जाती है, वहाँ के जो नसें हैं अगर गांठ पर जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है। तो ऐसे हम आपको बता देते हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम का जो मेन कारण होता है वो ये है कि आपके शरीर में गंदगी जम चुकी है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आपको हमेशा होती रहती है। तो आप ऐसे कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके शरीर की जो गंदगी है नेचुरली तरीके से शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। सही तरीके से अगर खान पान का सेवन नहीं करते हैं तो यही जो है आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके पाचन क्रिया में बीमारियों का घर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो बार बार जो है आपको इन्फेक्शन या संक्रमण का खतरा उठाना पड़ता है। जैसे गैस हम आपको बता देते हैं, आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, डायबिटीज, लीवर, हार्ट अटैक, कब्ज जैसी समस्या से 100% लोग में से 70% लोग ऐसे हैं कि जो ये सब बीमारी से हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो गैस हम आपको बता देते हैं कि 100% में से 70% लोग ऐसे हैं कि सुबह शौच के समय उनका पोटी साफ नहीं होता है, उनका पेट साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस, एसिडिटी, पेट भारी होना और उनके बार बार निचले जैसा प्रॉब्लम होता है। तो गाइस, अगर आप अपने पेट की गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को दूर रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं बहुत, और इसे आसानी से अपने पेट की गंदगी को साफ करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। वीडियो में हरड़ काली कलर की होती है। बहुत लोग वीडियो में हमें कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि मैम हरड़ क्या होती है, कैसा होता है, कहाँ मिलता है। तो हरड़ आपको किराना की दुकान पर मिल जाएगा, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हरड़ को हरितकी के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी को बवासीर है या फिर बार बार पेचिस हो रहा है, जुलाब हो रहा है, अगर बार बार मिचली हो रहा है, तो ऐसे में भी आप हरड़ के पाउडर को एक चम्मच पाउडर लेके उसमें से हल्का सा शहद मिलाकर अगर सुबह खाली पेट का सेवन कंटिन्यू एक हफ्ते करते हैं तो आपके ये जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। अब हम आपको बता देते हैं कि जो पेट की गंदगी है, जो हमारे शरीर में गंदगी जमी है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, वजन बढ़ने लगता है, तो ऐसे में हरड़ का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। जैसे कि गाइस, आप हरड़ ले लिए, आप 100 ग्राम 50 ग्राम जितना आप हरड़ ले सकते हैं आप उतना हरड़ ले लीजिए, उसको अच्छे से अपने हाथों पर मसल लीजिए। मसलने के बाद आप उसको देसी घी में भून लें। जब उसको भूनेंगे तो जो हरड़ होता है उसको फूलकर बड़ा हो जाता है, तो उस हरड़ को आप देसी घी में भूनकर उसको मिक्सर में पीसकर उसका पाउडर बना के तैयार कर लें। देखिए, अगर आपके पास काला नमक है या फिर शहद है या फिर देसी घी है, अगर आपके पास तीनों में से कोई भी एक चीज़ उपलब्ध है तो आप इसका सेवन इसके साथ कैसे करें। जैसे कि आपके पास देसी घी उपलब्ध है तो आप एक चम्मच, छोटा एक चम्मच हरड़ पाउडर ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच देसी घी ले लीजिए और उसको अपने हथेली पे इसको मिलाने के बाद इसको चाट जाएं। चाटने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपके पास शहद मौजूद है तो उसी तरह से आधा चम्मच शहद ले लीजिए, एक चम्मच हरड़ पाउडर ले लीजिए, उसमें अच्छे से मिलाने के बाद आप उसको मिक्स को खा जाइए। फिर सादा पानी का सेवन कर सकते हैं, आपको फ्रिज का पानी सेवन नहीं करना है। काला नमक उपलब्ध है तो काला नमक उस पाउडर में मिक्स करने के बाद आप उसको इसी तरह से खाकर गुनगुना पानी पी लीजिए। इन तीनों में से अगर कोई भी आपके पास है तो इस नुस्खे को आप आसानी से ले सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से नियमित रूप से इसका पालन करेंगे, अच्छे डाइट लेना है, व्यायाम योगा जरूर करना है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।